वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू हाउ इज़ योर प्रपरेशन गोइंग कैसी चल रही है आपकी तैयारी आई होप एकदम पूरे पूरे स्विंग में एंड विद ऑल योर अटेंशन विद ऑल योर फोकस आप लोग का प्रपरेशन अच्छा चल रहा होगा नाउ uh, कुछ लोगों का आपकी तरफ से uh, जो सजेशन मेरे पास आया है वो ये है कि अगर हम जो ये डिस्कशन कर रहे हैं ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं अगर हम लोग चैप्टर वाइज चले तो दैट विल बी मोर बेनिफिशल ठीक है तो दैट विल बी अटेम्प्ट फ्रॉम माई साइड कि अब मैं चैप्टर वाइज यू नो आई विल बिगिन एंड वी विल कम्प्लीट अ चैप्टर और जो जो इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं चैप्टर में जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट वी विल ट्राई टू कवर सो दैट यू नो आपका चैप्टर आपका प्रेपरेशन फ्रॉम वन चैप्टर वाइज यू नो अच्छा आपका प्रपरेशन हो जाए सो ओके दैट्स अ वंडरफुल सजेशन लेट्स लेट्स गो बाय दैट ओनली अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू रीड बायोलॉजी ओनली और सबसे बड़ी बात है एग्जाम क्वालिफाई करना है ठीक है तो प्रेपरेशन जारी रखते हैं एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में ले रही हूँ द लिविंग वर्ल्ड आई हैव कंप्लीटेड दैट चैप्टर इन पास्ट टू सेशंस आई हैव टेकन ऑन यूट्यूब। तो प्लीज़ दैट चैप्टर वन प्लीज़ गो थ्रू एंड रीड इट प्रॉपरली जो जो आपको बताया जा रहा है यू नो द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू कैन पिकअप एंड यू नो यू कैन प्रैक्टिस डिफरेंट जो भी उसके अंदर टर्म्स हैं एंड नो यू कैन गो थ्रू इट इट्स वेरी आई हैव एक्सप्लेन इट एंड अब ये सेकेंड चैप्टर ले रही हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्वाइट सिंपल क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसे हम लोग यू नो स्टेप बाई स्टेप यू विल सी बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन एक तो आप चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो यू नो द फर्स्ट पार्ट इज सेकेंडली बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन आगे जो आप किंगडम्स पढ़ने वाले हो ठीक है आप प्लान्टे पढ़ोगे आप एनिमेलिया पढ़ोगे यू विल लुक एट डिफरेंट फाइलम्स यू नो मैनी न्यू थिंग्स विल कम इन टू पिक्चर प्लान्टे किंगडम है एनिमिलिया किंगडम है या फिर आप स्पेसिफिकली यू विल रीड अबाउट प्रोटेस्ट या आप यू नो अबाउट डिफरेंट ग्रुप्स यू विल बी रीडिंग लेकिन इन सारे ग्रुप्स को वी सी हम लोग जो आगे पढ़ेंगे दैट इज़ अ वेरी हायर थिंग दैट विल बी रीडिंग जो हम आगे यू नो किंगडम में चैप्टर्स में पढ़ेंगे ये जो चैप्टर है एक तो सबसे पहले यू नो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड उसका आस्पेक्ट्स हम लोग लेंगे समहाउ ये जो चैप्टर है ये आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए एक इंट्रोडक्टरी बेस है ठीक है तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर जिन जिन पॉइंट्स को आई विल टेल यू कि ये इंपॉर्टेंट है प्लीज पे मोर अटेंशन टू देम दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम ठीक है और छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं विच आर ईजी ओके बट कई बार क्या होता है ऑप्शन जो थोड़े से कंफ्यूजिंग भी दिए जाते हैं ठीक है सो so, अगर जो भी टर्म्स आप यूज करने वाले हो ठीक है अगर हम गहरे की फंगल सेल वॉल के अंदर वॉट इज द मटीरियल दैट इज प्रेजेंट या फिर हम लोग बात करने वाले हैं कि वट इज टाइप ऑफ सेल यू नो वेदर प्रो और यू कैरियाट आपको किस किंगडम में देखने के लिए मिलेगा सो यू नो मेनी क्वेश्चन कैन बी फ्रेम फ्रॉम दिस चैप्टर तो ठीक है भाई स्टार्ट करते हैं चैप्टर देखते हैं आगे यू नो वट ऑल वी कम अक्रॉस चैप्टर शुरू करने से पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन छोटा सा एक रिकैप लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल

इट इट एज दिस ओनली बट आई डिवाइडेड इन टू टू पार्ट ठीक है कैरियो जो वर्ड होता है कैरियो और कैरियोन जो वर्ड है वो न्यूक्लियस को रेफर करता है ठीक है तो प्रो कैरियोट और यू कैरियोट जो है जो, जो सबसे बड़ा बेसिस है आपका इनके डिविजन का वो है कि हाउ द न्यूक्लियस इज ऑर्गेनाइज ठीक है प्रो कैरियोट्स के अंदर देर इज अ प्रिमिटिव नॉट ट्रू न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट ठीक है प्रिमिटिव या नॉट ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब हुआ प्रिमिटिव का मतलब होता है समहाउ एक ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट नहीं है ठीक है इंस्टेड ऑफ दैट जो न्यूक्लियस है ठीक है इट बैक्टीरिया और प्रो कैरियो दे हैव इनके पास न्यूक्लियॉइड प्रेजेंट होता है ठीक है वेल well मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एबसेंट होता है ओके okay. एंड जो भी आपका जेनेटिक मटीरियल है दैट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ अ न्यूक्लियोइड ठीक है सो दिस इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर बेस्ड ऑन विच हम यू कैरीऑट और प्रो कैरीऑट को डिवाइड करते हैं इसी के कंपेरिजन में आप यू कैरीऑट में देखोगे इट हैज अ ट्रू न्यूक्लियस न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस है बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर हैं ठीक है तो एक ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है ठीक है इट इज एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस ठीक है बाकी अगर प्रोकैरियोट की बात करें प्रोकैरियोट के पास यस इट हैज प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियोइड इट हैज़ प्रेजेंस ऑफ जो आपके एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए हैं दैट इज योर प्लाज्मेट साइटोप्लाजम है साइटोप्लाज्म में रिबोजोम्स हैं साइटोप्लाजम में आपका बहुत सारे जो आपके स्टोरेज ग्रैन्यूल्स हैं वो प्रेजेंट हैं इट हैज़ इट हैज़ सेल वॉल दैट इज़ वेरी डिस्टिंक्ट ठीक है एंड मीजोजोम्स हैं यू नो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन योर प्रो सेल यू कैरियोटिक सेल की बात आ जाओ डिपेंडिंग आप प्लांट सेल की बात कर रहे हो या आप एनिमल सेल की बात कर रहे हो ठीक है दोनों के अंदर डेफिनेटली साइटोप्लाज्म तो भाई दोनों के लिए एक कॉमन चीज है ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटीरियल है ठीक है देन प्लांट सेल की बात करें तो यू हैव स्ट्रक्चर दैट इज यू नो क्लोरोप्लास्ट दैट दे हैव ठीक है बाकी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया न्यूक्लियस हो गया आपके रिबोजोम्स हो गए क्रोमोजोम्स हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया ठीक है लाइजोजोम्स हो गए दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर कॉमनली फाउंड एक यू कैरियोटिक सेल के अंदर ठीक है छोटा सा हमने सेल्स का ब्रीफ ले लिया है ठीक है अब चैप्टर पे आ जाते हैं ठीक है वर्ड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ठीक है जब भी बायो वर्ड इज कमिंग समवेयर इन पिक्चर ठीक है इसका मतलब है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज लिविंग दैट हैज लाइफ ठीक है मैं एनिमल की बात करूं मैं प्लांट की बात करूं मैं ह्यूमन की बात करूं मैं टाइगर की बात करूं जिसकी भी मैं बात कर रही हूं दैट इज अ लिविंग एंटिटी ठीक है सो समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लाइफ बायोलॉजिकल मैंने कह दिया कोई प्रोसेस हो सकता है स्ट्रक्चर हो सकता है एनीथिंग सेकेंड वर्ड दैट इज यूज इज क्लासिफिकेशन क्लासीफाई करने का क्या मतलब होता है कि आप किसी एक बी एनी थिंग ठीक है एनिमल हो प्लांट हो काव हो डियर हो मैटर एनी ऑर्गेनिज्म दैट यू कम अक्रॉस आप उसकी एक ग्रुपिंग कर देते हैं ठीक है साइंटिफिकली यू डू अ ग्रुपिंग बेस्ड ऑन सम फीचर्स दैट इज प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनिज्म या फिर हो सकता है उसके अंदर कुछ फीचर्स प्रेजेंट हो और कुछ फीचर्स हो सकता है उसमें ना हो ठीक है सो डिपेंडिंग ऑन फीचर्स या फिर हम उन्हें कैरेक्टर्स बोल लें ठीक है तो वो कैरेक्टर्स जो या तो प्रेजेंट होंगे या ये कैरेक्टर्स जो उसमें एबसेंट होंगे क्लॉज हैं बीक है फेदर्स हैं विंग्स हैं सो यू कैन इजीली से आप देख के बता दोगे ठीक है माना कोई ऑर्गेनिज्म है सपोज देर इज अ देर इज ऑर्गेनिज्म ठीक है अब मेरे ऑर्गेनिज्म के पास बीक है ठीक है तो उसके पास फेदर्स हैं बॉडी पूरी फैदर्स से कवर है उसके पास प्रेजेंस है क्लॉज की ओके दैट इज एबल टू तो फ्लाई एज वेल ठीक है इट हैज़ प्रेजेंस ऑफ विंग्स तो अगर मैं इन सारे कैरेक्टर्स को देखूं आई कैन ईजीली मेक आउट दैट दैट ऑर्गेनिज्म इज अ बर्ड क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स बर्ड में देखने को मिलते हैं ठीक है तो ऐसे ही हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को या मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुप कर देते हैं ठीक है तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दो चीज़ों यू नो टू फीचर्स यू हैव टू नोटिस सबसे पहला चीज कि ग्रुपिंग कर देते हैं कैटेगरी में ठीक है दूसरा किसके बेस पे ग्रुपिंग करते हैं जो ऑब्जर्वेबल फीचर्स उस पर्टिकुलर जो हमने फीचर्स या तो उस ऑर्गेनिज्म में देखे इधर देर वर सम फीचर्स विच वर प्रेजेंट ठीक है क्लॉज प्रेजेंट थे फेदर प्रेजेंट थे बीक प्रेजेंट थी विंग्स प्रेजेंट थे तो हमने बोला हमारा ऑर्गेनिज्म जो है इट इज़ अ बर्ड तो ये क्या हुए ये सारे ऑब्जर्वेबल फीचर्स ही तो हुए जिन्हें हमने देख के वी वर एबल टू मेक आउट दैट हाँ ये जो मेरा ऑर्गेनिज्म है ये मेरा पक्षी है ठीक है ठीक है तो इसको अगर हम समप करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को ठीक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप्स इन कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल फीचर्स ठीक है ये जो दो टर्म्स यहां पे मैंने यूज करी हैं मैंने क्या करा आपकी स्टेटमेंट को आपकी डेफिनेशन को प्रिसाइज करके इन दो वर्ड्स की फॉर्म में बना के यू नो सिनॉप्टिक नोट्स बोलते हैं जैसे आप लोग यू नो यू रीड लाइक सम समुल्व लाइन ठीक है अब आप एनसीआर टी में जाओगे यू विल रीड अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ठीक है तो ये दो पॉइंट हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप इन्हें समझ गए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज कंप्लीट ठीक है तो ग्रुपिंग देम इन कैटेगरी और किसके बेस पे ग्रुपिंग करोगे ऑब्जर्वेबल फीचर्स जिन्हें आप देख सकते हो ठीक है फीचर्स हो सकता है हम उसकी मॉरफोलॉजी देख रहे हैं मे बी वी हैव स्टडीड द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वॉल दैट ऑर्गेनिज्म हैज और मे बी हम उसका न्यूक्लियस डिपेंडिंग एट व्हाट लेवल यू वॉन्ट टू स्टडी ठीक है तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इन टू कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वेबल फीचर्स वेदर फीचर्स प्रेजेंट हैं उसमें या नहीं है ठीक है सा है चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है टाइम टू टाइम देखो कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं ऐसा नहीं है कि आज की डेट में ही कोई नया आप न्यूज़ में पढ़ते हो कि आज नया पक्षी मिला है या आज नया जानवर मिला है तो क्लासिफिकेशन होगा बैक डेट देर आर पीपल जिन लोगों ने बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन को पढ़ा है ठीक है कई लोगों का तो ये मानना है कि कुछ ट्रेट जो आप देख पा रहे हो ठीक है उनके बेस पे हो सकता है कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके बेस पे कुछ लोगों ने कहा नहीं हम तो ना और डिटेल जाके मे बी हम इनके जीनोम लेके स्टडी करेंगे सो देर कैन बी मल्टीपल वेज जिससे क्लासिफिकेशन की जा सके ठीक है थोड़ा सा पास्ट में देख लेते हैं हमारा द वेरी फेवरेट साइंटिस्ट दैट वी ऑलवेज टॉक अबाउट ही एरिस्टोटल ये बायोलॉजिस्ट हैं ये बहुत अच्छे केमिस्ट्री के एक्सपर्ट भी हैं बायोलॉजिस्ट भी हैं ओके ही इज यू नो ही इज़ अ डिस्कवरर ही इज़ एन इन्वेंटर इतने सारे सब्जेक्ट्स एरिस्टोटल ने पढ़े हैं आपने सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा एरिस्टोटल इज़ वेरी पॉपुलर इन साइंस एज वेल बिकॉज ही हैज़ डन सो मच वर्क इतना काम इन्होंने किया है तो एरिस्टोटल ने ठीक है पास्ट में जब ये क्लासीफिकेशन का प्रोसेस धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा एट दैट टाइम एरिस्टोटल ने अपना क्लासिफिकेशन का एक मेथोडोलॉजी बनाया ठीक है उन्होंने कहा कि अगर प्लांट्स हैं इतने सारे प्लांट्स हैं ठीक है इतने सारे एनिमल्स हैं तो क्या करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स को उनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पे किसके बेस पे मॉर्फोलॉजी के बेस पे ठीक है मॉर्फोलॉजी के बेस पे यानी प्लांट्स के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप मॉर्फोलॉजी का बच्चे क्या मतलब होता है मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है हाउ दी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज ठीक है मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि कोई बाहर से प्लांट या एनिमल कैसा दिखता है वो उसकी मॉर्फोलॉजी है ठीक है तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जिसे हम मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी इज अ वेरी साइंटिफिक वर्ड ठीक है सिंपल अंग्रेजी में बोले तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेस पर ठीक है प्लांट्स के पास एक अलग तरह की मॉर्फोलॉजी होगी एनिमल के पास एक अलग तरह की मॉर्फोलॉजी होगी तो उन दोनों के अंदर प्लांट और एनिमल के अंदर कैसी मॉर्फोलॉजी है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है ठीक है तो मॉर्फोलॉजी के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया गया ठीक है दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं अरे रेड ब्लड सेल्स को ना इस पॉइंट को रेड से ही पढ़ते हैं ठीक है कुछ ऑर्गेनिज़म्स के अंदर आर जो हैं वो प्रेजेंट होंगे इन्होंने क्या किया दो कैटेगरीज बना ली ठीक है कुछ ऑर्गेनिज़म्स के अंदर आर एब्सेंट होंगे ठीक है इन दोनों का इन्होंने प्रयोग किया और इन्होंने कहा कि कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें आर सॉरी जिनमें आर प्रेजेंट है वो एक ग्रुप में हो गए और जिनमें आर नहीं प्रेजेंट है वो एक ग्रुप में हो गए तो ये एक तरीका है बेस्ड ऑन विच उन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी के बेस पे एनिमल और प्लांट्स का क्लासिफिकेशन दूसरा चीज़ उन्होंने जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं ठीक है आरबीसीज़ जो है उसके बेस पे कि किन में आरबीसी प्रेजेंट है और किन में आरबीसी एबसेंट है ठीक है ये इन्होंने एक क्राइटेरिया लिया ठीक है ये इन्होंने एक क्राइटेरिया लिया आपके ग्रुपिंग आपकी क्लासिफिकेशन करने के लिए ठीक है चलो एक और क्लासिफिकेशन का टाइप देखते हैं lininess, ठीक है टेक्सोनमी में इनका नाम बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है आई मीन टेक्सोनोमिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट बायोलॉजिस्ट बहुत बहुत जो uh, कहते हैं ना इनका बहुत योगदान है ठीक है कैरोलस लिननस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन निकाली पीछे आपने देखा एरिस्टोटल पिछली स्लाइड, स्लाइड में कि एरिस्टोटल जो हैं उन्होंने मॉर्फोलॉजी को के बेस पर क्लासिफिकेशन किया अब लिनेस को लगा ठीक ही मस्ट बी स्टडिंग कि मैं दो ब्रॉड किंगडम्स बना देता हूँ क्या बना देता हूँ किंगडम बना देता हूँ एक बना देते हैं किंगडम प्लांटे जिसमें आपके सारे प्लांट्स आ जाएंगे और दूसरा आप बना देंगे किंगडम एनिमेलिया ठीक है तो एक तो बन जाएगा आपका एनिमेलिया और दूसरा किंगडम आपका बन जाएगा प्लांटे ठीक है दो किंगडम्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्या किया एनिमेलिया जिसके अंदर एनिमल्स आए और प्लांटे जिसके अंदर प्लांट्स आए ठीक है तो क्योंकि ये दो हैं दे आर टू इन नंबर इसीलिए क्लासिफिकेशन को टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं अब अच्छी बात है प्लांट्स किंगडम प्लांटे में चले गए एनिमल्स एनिमल किंगडम में चले गए गुड अच्छी बात है लेकिन क्या हुआ इस क्लासिफिकेशन के दौरान कुछ दिक्कतें देखी गई ठीक है कहते हैं ना वो पिक्चर परफेक्ट नहीं थी उसमें कुछ गलतियाँ थी क्या गलतियां थी एक बार खैर गलती नहीं कहना चाहिए uh, कहते न, न हैं ना प्रोसन कौन से होते हैं लेट सी दैट कि क्या दिक्कत आई इस क्लासिफिकेशन की वजह से ठीक है सबसे पहले लेट्स से आपको यह तो पता है कि अगर किसी की कि अगर कोई सपोज लेट्स से कोई एनिमल है उसके अंदर दैट उस एनिमल की जो बॉडी है दैट इज ओनली मेड अप ऑफ वन सेल ठीक है फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम है अमीबा है सो so, अगर किसी की बॉडी वन सेल की बनी है तो हम उसे यूनी सेल्ड बोलते हैं ठीक है थीके? इसका मतलब है एक सेल कि एंटायर बॉडी इज मेड अप ऑफ वन सेल ठीक है अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी मल्टी सेल्ड है यानी देर आर मेनी सेल्स बहुत सारे सेल्स हैं ठीक है थीके? तो हुआ क्या कि कई ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल थे जो जिनका बॉडी एक सेल से बना था ठीक है उनको और जो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिल बनी थी मल्टी सेल थे जो इन दोनों को ही एक साथ प्लेस कर दिया गया देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है ये ठीक है अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं हम देखते हैं सेल सेल से बने टिश्यू टिश्यू से बना ऑर्गन ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म एंड यू नो वी गो अप टू अ हायर लेवल ठीक है अभी यहां तो यूनिसेल्ड और मल्टी सेल्ड को साथ रख दिया है तो ये जो है दिस वॉज नॉट अप्रोप्रिएट ये चीज अप्रोप्रिएट नहीं थी ठीक है दूसरी जो एक कमी देखी गई वो ये थी कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स ठीक है फोटोसिंथेसिस की मदद से दे प्रिपेयर द ओन उन फूड उनको और वो जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं है जो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना नहीं बना रहे हैं उन दोनों को साथ में रख दिया गया देखो फोटोसिंथेसिस अब हम धीरे धीरे न्यूट्रिशन की बात करेंगे ठीक है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आप देखोगे न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं भाई प्लांट्स हैं अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन क्या हम अपना खाना खुद बना सकते हैं वी कैन नॉट ठीक है ठीक है तो इस तरह से हमारे और प्लांट्स के बीच में ये एक मेजर डिफरेंस की पॉइंट बन जाती है तो न्यूट्रिशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट ठीक है तो जो फोटोसिंथेटिक थे जो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना बना रहे थे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एल्गी ले ले लेते हैं ठीक है एंड जो नॉन फोटोसिंथेटिक हैं जैसे आपकी फंगस है फंजाई है फंगस है ठीक है तो इन दोनों को भी साथ रख दिया गया ठीक है तो ये दो समस्याएं जो हैं ये देखी गई जब लिनिनस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी अब कोई बात नहीं कुछ चीजें अप्रोप्रिएट नहीं थी देयर वॉज मोर इवॉल्व्ड क्लासिफिकेशन दैट केम ठीक है आर एच विटेकर नाम के जो रिसर्चर हैं बायोलॉजिस्ट हैं ये आए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को लेके जो कि बहुत प्रिसाइज थी पिछले क्लासिफिकेशन के जो भी सिस्टम्स आए उनके कंपैरिजन में ठीक है आर एच विटेकर क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज ध्यान से सुनो बहुत इंटरेस्टिंग है पता आप देखोगे किस तरह से न्यूट्रिशन के बेस पे सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बेस पे कैसा सेल है प्रो है यू है उसके बेस पे पांच फीचर्स उन्होंने डिस्टिंक्ट फीचर्स लिए जिसके बेस पे उन्होंने ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको दिया एंड इट इज रियली इंटरेस्टिंग बड़ा बड़ा मज़ेदार है एंड एक एन में आपके टेक्स्ट एक टेबल है ठीक है जिसमें जो ये पांचों टाइप हैं जो ये किंगडम क्लासिफिकेशन है इसके डिटेल में पॉइंट्स दिए हुए हैं इस किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने क्या किया उसकी टेबल को बाइफर्केट कर दिया दो टेबल्स में डिवाइड कर दिया और इंडिविजुअली हम दोनों टेबल्स को डिस्कस करेंगे ठीक है ये टेबल्स जो है देखो एक तो आर एच विटाकर के क्वेश्चन के लिए इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप खडाक से यू नो एकदम सही आंसर करने वाले हो ठीक है तो अगर अच्छे से समझ लोगे एंड नीट में आया भी है ठीक है विटाकर से आर एच क्लासिफिकेशन से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से, से क्वेश्चन हैज कम ठीक है इस चैप्टर में पता है क्या बड़े सिंपल क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन होते हैं ना जिन्हें देखते ही आप पहचान जाओ अच्छा 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 इसका आंसर तो ये वाला फाइलम है अच्छा इसका आंसर जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेरी सिंपल क्वेश्चन कम्स मतलब जो कहते हैं ना आसानी के नंबर देखो अच्छा ये है तो रिवाइज कर लोगे अभी क्लास में यू नो हियर ऑन यूट्यूब जब एन देखोगे तुम तो लोगों को ऐसे याद आने वाला है एंड ट्रस्ट मी पढ़ के देखना सीरियसली आई मीन इट ठीक है चलो आ जाते हैं आर एच विटैकर के फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पे पांच किंगडम वाला क्लासिफिकेशन है कौन से साल में आया जी 1969 में आया बहुत बढ़िया क्यों फाइव किंगडम कहा गया क्योंकि पांच नए किंगडम अभी तक क्या था लिनेस ने प्लांटे और एनिमेलिया बनाया था लेकिन क्लासिफिकेशन को और वाइड किया गया ताकि जो जिसका कैरेक्टर है उसके डिस्टिंग कैरेक्टर वाले किंगडम के अंदर वो ऑर्गेनिज्म जाए ठीक है बड़ी मेहनत लगती है बहुत सारे फीचर स्टडी किए गए ठीक है तो कौन से पांच फीचर स्टडी किए गए जिसके बेस पर ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया है फटाफट से देख लेते हैं फिर बात करेंगे कि कौन से किंगडम्स बने पहला सबसे पहले सेल टाइप अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि प्रो और यू हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म है। हैं एक है प्रिमेटिव न्यूक्लियस नॉट एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड वाले प्रोकैरियोट्स दूसरे हैं हमारे यूकैरियोट्स जिनके पास वेल well डिफाइंड बढ़िया चंगा सा ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है ठीक है दूसरा कैरेक्टर जो उन्होंने लिया तो पहला हो गया आपका सेल टाइप आपने कहा या तो प्रो कैरियोटिक होंगे या यू कैरियोटिक होंगे आ जाओ जी दूसरे पॉइंट पे वो है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जाम्पल दिया हम हैं ह्यूमन बींग्स हैं एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं चलो हम तीन को ही देख लो ठीक है हम लोग अपना खाना वी कैन नॉट सिंथेसाइज हम फोटो सिंथेटिक नहीं है ओके नीदर आर एनिमल्स दे ऑल्सो कैनोट यू नो दे ऑल्सो डोंट परफॉर्म फोटो सिंथेसिस लेकिन प्लांट्स जो हैं यस ग्रीन प्लांट्स दे कैन परफॉर्म फोटो सिंथेसिस आपको नहीं लगता हमारे बीच में और प्लांट्स के बीच में ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस हो सकता है फंगस को ले लो ठीक है आपने देखा होगा घर में कभी कभार ब्रेड के ऊपर लग गई ठीक है फंगस जो है फंगस दो मल्टीपल टाइप न्यूट्रिशन है बट जनरली हम फंगस को सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं क्योंकि इट इट्स न्यूट्रिशन वो लेता है अपना खाना ठीक है वो खुद सिंथेसाइज वो फोटोसिंथेसिज नहीं कैरी आउट करता ओके सो इट फीड्स ऑन दोज ऑर्गेनिक मैटर एंड इट डेराइव न्यूट्रिशन आउट ऑफ इट ओके तो ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन नाउ कमिंग तीसरे पॉइंट पर सेल ज़ाहिर सी बात है कोई भी सेल है ठीक है आप यू यू नो टेक हमारा सेल एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट पे है प्लांट का सेल एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट पे है बैक्टीरिया है वो एक अलग पर्टिकुलर एनवायरमेंट में है तो वॉल जो होती है वो एक प्रोटेक्टिव होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है तो वॉल का कॉम्पोजिशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से सेल बॉल जो है अलग अलग तरह के मटेरियल से बनी है तो ये भी एक डिस्टिंक्ट फीचर बन जाता है जब हम किंगडम्स की बात करते हैं फिर चौथा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया यूनीसेल्ड है मल्टी सेल्ड है और आगे जाएं फ्रॉम सेल देर आर ऑर्गेनिज्म अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट टिश्यूज से डिफरेंट ऑर्गन्स ठीक है एंड देन यू नो यू गो अप अपरगैन सिस्टम एंड देन ठीक है तो अलग अलग लेवल के ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग किंगडम्स में देखने को मिलते हैं ठीक है पांचवा पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक है प्रो और यू कैरियोट को जब हमने डिवाइड किया एक सेंटर पॉइंट बना वो बना न्यूक्लियस तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस या न्यूक्लियस से जुड़ी चीजें जो हैं दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं ठीक है तो कईयों में हम देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेंबसेट है और कईयों में हम देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर कि जो हमारे पांच किंगडम बने वो कौन से बने ठीक है सबसे पहला जो किंगडम बना वो था किंगडम मुनीरा ठीक है किंगडम मुनीरा जो है जो आपके मैक्सिमम जितने सारे आपके बैक्टीरिया हैं वो आपके किंगडम मुनीरा के अंदर आते हैं ठीक है आरकी बैक्टीरिया भी हैं, ठीक है वी विल रीड अबाउट माइकोप्लाज्मा भी हैं ये सारे किंगडम मुनीरा में आते हैं ठीक है इंडिविजुअली जब हम किंगडम देखेंगे तब हम ज्यादा डिटेल में इस पॉइंट को देखेंगे ठीक है दूसरा है आपका किंगडम प्रोटिस्टा ठीक है इसमें भी बहुत डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स वी विल सी ठीक है तीसरे किंगडम पे आ जाते हैं तीसरा आपका बना किंगडम फंजाई ठीक है जो भी फंगस है ठीक है वी विल रीड अबाउट them जितने भी फंजाए हैं अलग अलग तरह के किंगडम फंजाई में ठीक है चौथा आपका आ गया द वेरी ओन जो घर के आसपास भी जो पेड़ पौधों को आप देख रहे हैं हरे भरे एकदम फुल टू ऑक्सीजन बनाते हुए फोटोसिंथेटिक किंगडम प्लांटे जिसमें आपके प्लांट्स आ जाएंगे ठीक है फिफ्थ पॉइंट जो है वो है आपका किंगडम एनिमेलिया ठीक है आप मैमल हो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ आपका किंगडम आ गया है खैर सारे किंगडम आपके हैं क्योंकि पूरे आर एच क्लासिफिकेशन और पूरी एन आपकी है ठीक है सो किंगडम एनिमेलिया सारे एनिमल्स ह्यूमन बींग्स ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ किंगडम एनिमेलिया ठीक है अब विटैकर ने इतनी पढ़ाई करी ही मस्ट हैव स्टडीड बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा होगा उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे ठीक है तो अभी हमने बात करी जिन पाँच फीचर्स के बारे में ठीक है उन पाँच फीचर्स के बेस पर कैसे ये किंगडम एक दूसरे से अलग अलग हैं नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टेबल इज वेरी इम्पोर्टेंट प्लीज मैं एक एक आ, फीचर लूँगी ठीक है इस टेबल में मैंने तीन फीचर्स रखे हैं अगली जो इस टेबल का कंटिन्यूएशन है दो फीचर्स मैंने उसमें इंक्लूड किए हैं ठीक है तो हम लोग स्टेप वाइज वी विल लुक एट डिफरेंट टेबल्स एंड वी विल सी कि क्या क्या फीचर्स रहते हैं ठीक है साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे बहुत प्रिसाइज करके इस टेबल को बनाया है इफ़ यू रिमेंबर आप एक एक पॉइंट को पहले तो समझो ठीक है क्या कहना चाहता है पॉइंट अपने आप में एंड देन थोड़ा सा इसमें लर्निंग इस टेबल के अंदर इज इंपॉर्टेंट सो प्लीज़ ट्राई टू लर्न समझ आ जाएगा ना दर इज नो नीड अपने आप लर्न हो जाएगा ठीक है वो मगिंग अप की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है चलो आ जाते हैं कैरेक्टर पे ठीक है सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है मेरा सेल टाइप कि क्या मेरा किंगडम जो है उस किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसका सेल प्रोकैरियोटिक टाइप का है या यूकैरियोटिक हमने बात कर ली प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में ठीक है, है? चलो किंगडम मुनीरा की अगर बात करें इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट है तो किंगडम मोनीरा के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल टाइप मिलता है ठीक है उसके बाद मुनीरा के बाद प्रोटिस्ट फंजाए प्लांटे और एनिमेलिया, इन चारों में यू सेल जो भी ऑर्गेनिज्म है अगर उन ऑर्गेनिज्म के आप इंडिविजुअल सेल को स्टडी करो तो वो सारे के सारे सेल्स जो हैं वो यू हैं ठीक है तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर होगा सेल टाइप का मतलब है आप ये देखोगे प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में किसके उस पर्टिकुलर किंगडम के प्रेजेंट है या नहीं है ठीक है मोनिरा प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक कैरिटिक फंजाई यू कैरियोटिक प्लांटिक यू एनिमिलिया यू ठीक है चलो जी सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट है सेल वॉल मैंने आपको बताया सेल वॉल क्या होता है जो भी आपका इंडिविजुअल बैक्टीरिया है उसके आउटसाइड जो कवरिंग है ठीक है अभी पढ़ेंगे आगे आने वाले क्लास में वील सी सेल वॉल इन मोर डिटेल ठीक है आउटर मोस्ट कवरिंग है अलग अलग तरह से कॉम्पोजिशन होता है ठीक है सबसे पहले मुनीरा देखते हैं ठीक है किंगडम मोनीरा में क्या होता है देखो जो मुनीरा होते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं किंगडम मोनीरा के जो ऑर्गेनिज्म हैं मुनीरा के ऑर्गेनिज्म जो हैं सबसे पहले आपको यह बात तो पता है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो प्लांट सेल वॉल है <coughs> सॉरी सॉरी <coughs> प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज से बना है ठीक है पॉलीमर है होता क्या है जो आपका मुनीरा है मुनीरा के अंदर यह सेल्यूलोज जो है वो एबसेंट होता है ठीक है तो सेल्यूलोज तो नहीं होता इसीलिए हमने इसे नॉन सेल्यूलोजिक कहा

अमाइनो एसिड प्रेजेंट है एंड नॉन सेल्यूलोजिक है सेल्यूलोस प्रेजेंट नहीं है ठीक है कहने को ये सिर्फ चार शब्द हैं ठीक है बट यू शुड बी क्लियर कि इनका मतलब क्या है नॉन सेल्यूलोजिक नो सेल्यूलोस पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है अमाइनो एसिड प्रेजेंट है ठीक है अब आ जाओ प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट के अंदर जो वॉल होती है वो कुछ में प्रेजेंट होती है ठीक है और सम पीपल सॉरी सम मेंबर्स डोंट इवन हैव सेल वॉल ठीक है सो इट इज प्रेजेंट इन सम ठीक है फंजाई की बात अगर हम करें तो फंगस जो है उसमें सेल वॉल का प्रेजेंस होता है लेकिन इसकी जो सेल वॉल होती है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेकिन इसकी सेल वॉल थोड़ी अलग होती है ठीक है इसकी सेल वॉल में किसकी प्रेजेंस होती है काइटिन की प्रेजेंट होती है या फिर इसके पास एक अलग तरह का सेलुलोज होता है जो कि स्पेसिफिक होता है फंगस के लिए और उसे हम कहते हैं फंगल सेलुलोज जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है ठीक है तो काइटिन और फंगल सेलुलोज ये दोनों जो आपकी फंगस है उसके सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं अब आ जाओ प्लांट्स में प्लांट्स के अंदर तो हम सबको पता ही है सेलुलोज होता है पेक्टिन होता है ठीक है तो सेलुलोज इज़ द मेन कॉम्पोनेंट तो सेल्यूलोज इज प्रेजेंट रही बात हमारे एनिमल्स की सेल वॉल एब्सेंट होती है ये हमें फीचर हमारे क्लास के साइंस टेक्स्ट बुक से पता है ठीक है तो जो आपका सेल uh, वॉल है दैट इज एबसेंट इन योर एनिमल्स ठीक है एक बार फिर से देख लेते हैं नॉन सेल्यूलोजिक पहले तो सेल वॉल इज प्रेजेंट ठीक है नॉन सेल्यूलोजिक है पोलिसकोराइड और अमाइनो एसिड्स की बनी है किसमें मोनिरा में कमिंग टू सेकेंड प्रोटेस्ट दे हैव सेलवॉल इज प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिज्म एंड इन केस ऑफ फंजाए इट इज प्रेजेंट एंड काइटिन और फंगल सेलुलोज जो है दैट इज प्रेजेंट किंगडम फंजाए के ऑर्गेनिज्म के सेलवॉल के अंदर कमिंग टू प्लांटे वॉल इज प्रेजेंट एंड अप ऑफ सेल्यूलोस एनिमल्स के अंदर वॉल होती होती है, cell wall present नहीं होती है। है। है है, नहीं देख लेते हैं, ये हमारा तीसरा के के अंदर, protist के अंदर होता बिल्कुल फंजाई में भी प्रेजेंट है प्लांटे में भी प्रेजेंट है और एनिमल्स में भी प्रेजेंट है न्यूक्लियर ठीक है तो ये तो पहला टेबल था इसी टेबल के जो नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है ये मैंने आगे नेक्स्ट टेबल में बनाए हैं इंपॉर्टेंट है सेल्यूलर लेवल इनमें सेल्स की फॉर्म में दे आर प्रेजेंट यानी डिफाइंड ऑर्गन या सिस्टम्स जो है सिंपली दे आर सेल्यूलर ठीक है सिमिलरली प्रोटिस्टेंट्स भी जो हैं दे आर ऑल्सो सेल्युलर आ जाओ फंजाय पे अच्छा फंजाई में क्या है अब दे हैव नाउ फंगस जो है इट इज़ अ मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर ठीक है जब आप अभी आगे माइसीलियम देखोगे यू नो वेन यू विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ फंगस इट इज़ अ मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर जो उनका प्रेजेंट होता है या फिर कई बार लूज टिश्यू की फॉर्म में भी जो उनका स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट रहता है ठीक है प्लांट्स की बात करें तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है एंड हाँ बिल्कुल एट द सेम टाइम ऑर्गन लेवल जो है दैट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो वी सी तो प्लांट्स में दैट टिश्यू एंड ऑर्गेन सिस्टम बोथ द टाइप ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट रहता है बारी आ जाती है एनिमल्स की एनिमल्स में आप टिश्यूज भी देखोगे आप ऑर्गेन सिस्टम भी देखोगे और यू नो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स भी देखोगे डिपेंडिंग जैसे जैसे यू नो आप यू नो फ्रॉम दी लोअर मोस्ट टू बिगिन विद दी पोरिफरेंस जब हम धीरे धीरे मैमल्स तक जाएंगे यू विल सी दैट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट ठीक है टिश्यू भी है ऑर्गन भी है ऑर्गन सिस्टम्स भी हैं ठीक है फ्रॉम दीज लोअर एनिमल्स टू वैन वी गो अप टू हायर लेवल ठीक है मतलब जिनमें लोअर एनिमल्स का मतलब है जिनके अंदर सिंपली विच आर मेड अप ऑफ टिश्यूज ओनली ठीक है हम लोग सेल्युलर ग्रेड में जैसे जैसे हायर जाते जाएंगे सो फ्रॉम दोज जिनके अंदर बेसिक लेवल है उनसे वी गो अप टू अ हायर लेवल ठीक है सो ऑल दीज थ्री टिश्यू ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम एनिमल्स पे देखने के लिए मिलता है न्यूट्रिशन की बात करें ठीक है सबसे पहले मोनीरा को देखते हैं बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों तरह के होते हैं ठीक है अगर मैं ऑटोट्रॉफिक की बात करूं तो दो टाइप ठीक है दो वर्ड्स का यूज किया है एक है कीमो सिंथेटिक ठीक है दूसरा वर्ड है फोटोसिंथेटिक ये दोनों ही ऑटोट्रॉफिक हैं कैसे फोटोसिंथेसिस तो बिल्कुल यू पीपल आर इंटेलिजेंट यू नो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस लाइट की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए ऑटोट्रॉफ है, है. कीमोसिंथेटिक के मत का मतलब होता है कि कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की मदद से उनका ये ऑक्सीडेशन करके उससे एनर्जी निकालते हैं ठीक है यानी किसका यूज करते हैं कुछ पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक मटेरियल का नाइट्रेट हो गया नाइट्राइट हो गया सल्फर हो गया ठीक है किसी को भी यूज करके दे प्रिपेयर देयर दे देव देयर एनर्जी ठीक है तो उसे कीमोसिंथेटिक बोलते हैं बैक्टीरिया में आप देखोगे पर्पल पर, 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 पर सल्फर बैक्टीरियाज हैं सल्फर बैक्टीरियाज हैं बहुत सारे तरह के होते हैं जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ठीक है चलो हेटरोट्रॉफ के अंदर आप देखोगे सैप्रोफाइट सैप्रोफाइट का सिंपली मतलब होता है सैप्रोफिटिक सैप्रोफिटिक का मतलब होता है जो कि डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं क्या करते हैं डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं उन्हें हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं ठीक है तो जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कई बैक्टीरिया है कई फंगस है दे आर सैप्रोफिटिक इन नेचर किस पे सैप्रोफाइट्स का मतलब है जो कि डेड डी ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं उन्हें सैप्रोफाइट्स कहते हैं ठीक है तो ये सैप्रोफिटिक यहां पर भी है देखो ये सैप्रोफिटिक फंजाई में भी है ठीक तो है तो सैप्रोफिटिक पैरासिटिक बहुत ही आसान है पैरासाइट का मतलब होता है जो किसी और पर डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए ठीक है पैरासिटिक का मतलब है जो हार्म करता है दूसरे पर्सन को और उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर पर्सन ठीक है तो वो पैरासिटिक है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिससे वो न्यूट्रिशन ले रहा है सिम्बैटिक फॉर एग्जाम्पल आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी लेग्यूम्स होते हैं उनके रूट्स में ये बैक्टीरिया ठीक है दे फिक्स नाइट्रोजन तो सिम्बैटिक बैक्टीरिया भी हम इसके अंदर देखेंगे तो ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ में कीमोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफ में हम सैप्रोफाइट देखते हैं सिम्बैटिक बैक्टीरिया देखते हैं और हम पैरासिटिक बैक्टीरिया देखते हैं ठीक है चलो जी आ जाओ प्रोटिस्टा में प्रोटिस्ट में ठीक है ऑटोट्रॉफ है ठीक है कुछ ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर रहे हैं अभी हम देखेंगे यू नो नेक्स्ट क्लास में वी विल सी कौन से प्रोटिस्ट होते हैं कुछ हैं जो पैरासाइट की तरह से एक्ट करते हैं और कुछ जो है वो हेटरोट्रॉफ है दूसरों से न्यूट्रिशन पिकअप करते हैं ठीक है प्लांटे के अंदर देखें ये तो हमें पता है प्लांट्स जो हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स ओके एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ठीक है अब बारी आ जाती है एनिमल्स की एनिमल्स के अंदर यस दे आर हेटेट्रॉफिक ठीक है तो ब्रॉडली दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स या दूसरे एनिमल से तो दे आर हेटरोट्रॉफिक ब्रॉडली इसमें हम होलोजोइक और सैप्रोफाइट्स के बारे में होलोजोइक न्यूट्रिशन और सैप्रोफाइट्स के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे ठीक है किंगडम मोनीरा दिस इज योर फर्स्ट किंगडम ठीक है अब क्या करेंगे हम लोग इंडिविजुअल किंगडम्स को पिकअप करेंगे एंड वी विल रीड अबाउट देम ठीक है तो सबसे पहला जो है वो है किंगडम मुनीरा आज मैं किंगडम मुनिरा बिगिन कर रही हूँ नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल वी विल लुक एट किंगडम मुनीरा ओके तो चलते चलते यू नो विल जस्ट एक ब्रीफली उसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं किंगडम मुनीरा बेसिकली आपके जितने भी बैक्टीरिया हैं दे आर ऑल प्रेजेंट इन योर किंगडम मुनिरा ठीक है माइकोप्लाज्मा इसमें आप तीन के बारे में बात करने वाले हैं एक तो है बैक्टीरिया दूसरा है आपका आर बैक्टीरिया तीसरा हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में ब्रॉडली ब्रॉडली हम इन तीन के बारे में बात करने वाले हैं ओ येस साइनो बैक्टीरिया ठीक है इन चार के बारे में डिस्कशन होने वाली है ठीक है बैक्टीरिया तो आपको पता है देखो ये चार दीज आर ब्रॉडली हम इन चार के बारे में बात कर रहे हैं बहुत सारे मतलब इतना अबंडस है इतने ज्यादा नंबर्स में दे आर प्रेजेंट ठीक है तो बेसिकली मल्ट मल्टीपल टाइप्स यू गेट ठीक है मोड ऑफ न्यूट्रीशन देख लें ऑटोट्रॉफ हैं कुछ हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं कुछ हैं जो हैटेरोट्रॉफ हैं विच डिराइव न्यूट्रिशन अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बोलूं अगर मैं जो निमोनिया करता है तो वो तो ठीक है इट्स अ बेसिकली एन हेटेट्रॉफ ठीक है लेकिन अगर मैं राइजोबियम की बात करती हूँ या आपके यू नो लैक्टोबैसिलस की बात करती हूँ दे आर पॉजिटिव मतलब इनका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव है लेकिन अगर मैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया की बात करूँ तो दे आर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एनसीआर टी में है. कुछ नहीं करना है कोकस का मतलब होता है दैट जो कि स्पीयर जैसा दिखता है ठीक है स्ट्रेप्टो कोकस गला खराब होता है ठीक है स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन ठीक है स्ट्रेप्टोकोकल तो कोकस का मतलब है जो स्फीयर जैसा दिखता है पहली शेप दूसरी शेप लैक्टोबैसिलस बैसिलस ठीक है दूसरी शेप है बैसिलस बैसिलस का मतलब होता है जो कि देखने में रॉड जैसी शेप का होता है कैसा होता है रॉड लाइक -like होता है ठीक है तीसरी जो शेप है वो है विब्रियम विब्रियम का मतलब होता है सिंपली इट लुक्स लाइक अ कॉमा ठीक है इट लुक्स लाइक अ कॉमा ठीक है और जो स्पाइरिलम होता है वो स्पाइरल होता है ठीक है वो स्पायरल शेप का होता है तो कोकस स्फीयर जैसा दिखता है बैक्टीरिया बैसिलस रॉड शेप का दिखता है विब्रियम स्लाइटली कॉमा शेप का दिखता है और जो स्पाइरिलम होता है वो स्पाइरल स्ट्रक्चर या स्पाइरल शेप का दिखता है तो जनरली ये चार तरह के जो शेप्स हैं ये बैक्टीरिया में देखने के लिए मिलते हैं अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर नेक्स्ट क्लास में बैक्टीरिया को और डिटेल में किंगडम मुनिरा को और डिटेल में देखेंगे और बाकी किंगडम्स का भी वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट देम एज वेल सो फॉर नाउ प्लीज़ गो थ्रू ऑल योर टेक्स्ट ऑल योर बुक्स एंड वीडियो को ध्यान से देखना जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं दैट यू विल टेक अप एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फंडा बॉक्स एंड नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और विल टेक इट फर्दर ठीक है तो अब चैप्टर वाइज चैप्टर चलते हैं एंड जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ करते हुए चलते हैं सो अपनी प्रेपरेशन को यू नो आप जारी रखो एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास यूर एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ डोंट फर्गेट दैट वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ आवर मोटिवेशन ओके एंड ओके ऑल द बेस्ट हैप्पी रीडिंग कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ओके टेक केयर